हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बिलाल इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को एक वायरलेस चार्जिंग के बारे में बताऊंगा कि ये आप लोगों ने किस तरह बनाना होगा और इसमें क्या क्या यूज़ में लेना होगा आप लोगों को। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले दोस्तों एक कापर वायर जो कि आप लोगों ने यूज़ करना होगा। अगर ये कापर है तो भी ठीक है, और अगर ये सिल्वर है तो फिर भी ये चलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आमतौर पर ये मिलता है, मैं इसको बाद में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक सर्कल चीज़ की मदद से दोस्तों आप लोगों ने कुछ टर्न यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। और दोस्तों इसके दरमियान में आप लोगों ने किसी भी चीज़ को यहाँ पर रखना है ताकि ये टर्न आप लोग बाद में इसे आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ पर मैं कुछ टर्न यहाँ पर कम्प्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने 15 टर्न यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो ये 15 यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने कॉमन लेना होगा। कॉमन आप लोगों ने इस तरह लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो इसको आप लोगों ने इस तरह कॉमन यहाँ पर लेना है। तो ये कॉमन हो गया हमारे पास। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने दोबारा यहाँ से इस कामन से 15 टर्न और लेने होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 15 टर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसको मैं बाकी को यहाँ पर कट कर लेता हूँ। ये हमारे 15 टर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इस जो आपने हेल्प के लिए यहाँ पर लगाया था इसको निकालना होगा, और इसको आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ से चेंज कर लेना होगा। इस तरह दोस्तों आप लोगों ने इसको निकालना होगा। और ये हमारा जो प्राइमरी कॉइल है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इसको अच्छी तरह यहाँ पर तो तरह कर। तो ये हमारे पास एक वेल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और दोस्तों इसके जो इंसुलेशन है इसको आप लोगों ने रिमूव करना होगा किसी भी बारीक चीज से। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जो कि आमतौर पर बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, जिसका वैल्यू है D882, मतलब D882 इसका वैल्यू है। तो अब दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बीच का पॉइंट है, इसके साथ आप लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ पर सोल्डरिंग करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। और अब दोस्तों यहाँ पर कॉमन रह चुका है, तो कॉमन को आप लोगों ने इस साइड पर कर लेना है, और ये पॉइंट आप लोगों ने ट्रांजिस्टर के इस साइड पर यहाँ पर सोल्डरिंग करना होगा। दूसरे पॉइंट को भी यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये भी हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एक पॉइंट, हमारे पास दो पॉइंट रह चुके हैं, एक ट्रांजिस्टर का पॉइंट और दूसरा हमारे क्वेल का जो कॉमन है। तो प्लस यहाँ पर दोस्तों हमने ट्रांजिस्टर के एक पॉइंट के साथ यहाँ पर सोल्डरिंग करना होगा। और दूसरा माइनस जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने इस कॉमन के साथ यहाँ पर सोल्डरिंग करना होगा। तो ये भी यहाँ पर हो चुका है। अब दोस्तों ये हमारे पास जो चार्जिंग का कॉइल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पर आप लोगों ने एक और कॉइल यहाँ पर इस तरह क्रिएट करना होगा, लेकिन उसमें कॉमन नहीं होगा।
आप लोगों ने किसी भी सर्कल चीज़ की मदद से जिसको आप लोगों ने सिर्फ टर्न लेने हैं, 30 टर्न आप लोगों ने कंप्लीट करना है और इसका एक साइड यहाँ पर होगा और दूसरा आपका जो प्राइमरी था वो जब स्टार्ट किया आपने तो वो वाला होगा। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर ये जो है ये दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इस प्लस माइनस पर के साथ कोई भी चार्जर का वायर लगाते हो तो आप लोग अपने मोबाइल को वायरलेस यहाँ से चार्ज कर सकते हो, जो कि दोस्तों हर लेटेस्ट मोबाइल में अवेलेबल होता है, हर एंड्रॉयड मोबाइल में अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह काम करता है। इसको मैं यहाँ पर इसका इंसुलेशन हटा देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं एक छोटा सा एलईडी बल्ब यहाँ पर लगा देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर मैं एक एलईडी बल्ब यहाँ पर लगा देता हूँ एक पॉइंट दोस्तों इसके साथ एलईडी का और दोस्तों दूसरा यहाँ पर इस पॉइंट के साथ और दोस्तों इसकी भी दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरह सोल्डरिंग करना हो। तो अब यहाँ पर इसको ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास दोस्तों चार्जर अभी अवेलेबल नहीं है, मैं सेल की मदद से इसको ट्राई कर लूँगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा प्लस है और एक हमारे पास यहाँ पर माइनस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे मैं दोस्तों इसको यहाँ पर लेके आता हूँ तो हमारा बल्ब यहाँ पर ग्लो तो होता है। यहाँ पर मैंने इसको सेल की मदद से यहाँ पर कनेक्ट किया है। आप लोग चार्ज को यहाँ पर चार्जर को लगाकर अपने मोबाइल को वायरलेस भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक कमेंट शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।